हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको एक्सेल में बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बिल एक्सेल की शीट में कैसे बनाया जाता है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। चलो हम आपको ले चलते हैं एक्सेल की शीट के साइड, एक्सेल। ओके, ये हमारा एक्सेल ओपन हो रहा है। एक सेकेंड, ये हम आ चुके हैं एक्सेल की शीट पे और जूम कर लेते हैं। ओके चलिए, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम पहले ऊपर की ये फर्स्ट लाइन और इस साइड की लाइन कॉलम ए और ऊपर का नंबर फर्स्ट ये छोड़ देते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम पहले डालेंगे न्यू, नहीं पहले हम यहाँ पे काम करते हैं, पहले हम यहाँ पे डाल देते हैं हेडिंग। ओके, यहाँ पे हम मर्ज करेंगे और यहाँ पे डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिल, इसको सेलेक्ट करके थोड़ा जूम कर देते हैं। ठीक है, बोल्ड कर देंगे। ओके, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ हमको लिखना है न्यू, न्यू के बाद स्पेस दे देते हैं, न्यू टेक प्राइवेट लिमिटेड, न्यू टेक प्राइवेट लिमिटेड LTD। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख चुके हैं। ओके, अब सेकेंड लाइन में आके हम लिखेंगे इनवॉइस नंबर। ठीक है, इनवॉइस नंबर। ओके, ये लिख दिया हमने इनवॉइस नंबर, उसके बाद हम स्पेस देते हैं कॉलम लगा के। अब यहाँ पे हम लिखेंगे इनवॉइस नंबर, लिखेंगे हम NT 786786। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं न्यू टेक प्राइवेट लिमिटेड। ओके, ये हमारा ऑटो फिल हो चुका है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे एड्रेस, एड्रेस एड्रेस, उसके बाद एड्रेस लाइन 1। ओके, स्पेस देते हैं। अब यहाँ पे हम एड्रेस डालेंगे नियर चांदनी चौक, नियर चांदनी चौक। ओके, और यहाँ पे डाल देते हैं सेक्शन 3। ओके, अब हम दूसरी लाइन में लिखेंगे, यहाँ डालेंगे एड्रेस, एड्रेस लाइन सेकेंड। ओके, एड्रेस लाइन सेकेंड में लिखेंगे विजयनगर, और उसके बाद कॉमा लगाएंगे। ठीक, उसके बाद लिखेंगे गाजियाबाद या फिर गाजियाबाद। ठीक, ब्रैकेट में लिख देंगे यूपी। ओके, यूपी कैपिटल होएगा यूपी। ठीक है, ये हमारा एड्रेस लिख चुका है। ठीक, यहाँ पर हम लिखेंगे पिन, पिन नंबर। ठीक है, पिन नंबर। ठीक, तो यहाँ पे भी एक लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे पिन नंबर। ठीक है, पिन नंबर लिखने के बाद हमको यहाँ करना है 2020109। ठीक है, ये हमारा हो चुका है पिन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर इन चारों को सिलेक्ट करते हैं। ठीक, और इनको कर देते हैं मर्ज और यहाँ पे डाल देते हैं बगर डिटेल। ठीक है, BUYER, बगर्स डिटेल। ठीक है, डिटेल। ओके, डिटेल्स। ठीक है, ऐसे लगा देते हैं। अब यहाँ पर नेम डालेंगे, नेम स्पेस छोड़ेंगे, उसके बाद नेम डालने के बाद यहाँ पर हम नेम डालेंगे
शशांक पोरवाल, ठीक है, शशांक पोरवाल, ठीक। अब यहाँ पर हम एड्रेस डालेंगे, एड्रेस, एड्रेस लाइन फर्स्ट, ओके। अब यहाँ पर हम एड्रेस डालेंगे नियर हाथी मंदिर, नियर हाथी मंदिर, ठीक है, कॉमा लगाएंगे, ठीक। उसके बाद लिख देंगे सेक्शन, सेक्शन 7, ठीक। उसके बाद सेकंड लाइन में लिखेंगे हम एड्रेस, एड्रेस गलत लिख गया, एड्रेस, एड्रेस लाइन सेकंड, ओके, स्पेस छोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ लिखेंगे मयूर, मयूरगंज, मयूरगंज कॉमा। उसके बाद लिखेंगे हम फेस, उसके बाद लिखेंगे फेस फर्स्ट, फेस फर्स्ट, साथ फिर से कॉमा लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे कोटा, ओके। ये हमारा एड्रेस डल चुका है, ठीक। अब यहाँ पर हम डालते हैं पिन नंबर, पिन डॉट नंबर, पिन नंबर। उसके बाद हम यहाँ पिन नंबर डाल देते हैं 110091, ठीक है। अब यहाँ से हमारा होगा बिल स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पहले हमको डालना है क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक। और क्वांटिटी के बाद यहाँ हमको डालना है, पहले डालना है क्वांटिटी, उसके बाद डालना है आइटम नेम, आइटम्स नेम, आइटम्स नेम, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम डाल देते हैं यूनिट, यूनिट प्राइस, यूनिट प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे डाल देते हैं हम अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। को थोड़ा यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं जिससे आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन एडजस्ट करिए। हाँ, यहाँ पे हम क्वांटिटी डाल देते हैं 1, ठीक। यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं 4, यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं 5, क्वांटिटी डाल देते हैं 6, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे आइटम नेम मतलब डोर, डोर मतलब दरवाज़ा, ठीक है, एलुमिनियम का, एल्यूमिनियम, ठीक है, ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ लिखेंगे हम विंडो, विंडो, ठीक। उसके बाद यहाँ डालेंगे स्टील, स्टील, ठीक। उसके बाद फिर एंटर करेंगे, उसके बाद डालेंगे डोर, ठीक। अब डोर स्टील का, ठीक है, STWL, स्टील, ठीक है। उसके बाद एंटर, अब विंडो, विंडो, ठीक है, अल्मोनियम, ALL, अल्मोनियम, ठीक है। उसके बाद करेंगे एंटर, ठीक। अब यहाँ पर हम लगभग इतना सेलेक्ट करके इसमें लगा देते हैं बॉर्डर, ठीक है, इसमें और बॉर्डर लगा दी हमने, ठीक। यहाँ को ऑटो सेलेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे यूनिट प्राइस, पहला का प्राइस है 22,000, ठीक है। अब सेकंड प्राइस होएगा 12,000, ठीक। थर्ड प्राइस है 18,000 और लास्ट प्राइस है 13,000, ठीक है, ओके। अब हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना है इक्वल यूनिट प्राइस पे क्लिक, फिर इनटू का साइन, उसके बाद ये, ठीक है, एंटर कर दो, ठीक। फिर से ट्राई करते हैं, इक्वल यूनिट प्राइस पे क्लिक, इनटू का साइन, ठीक। उसके बाद 4 पे क्लिक करो, एंटर, ठीक है। ऐसे ही हम डायरेक्ट इन दोनों को सेलेक्ट करके यहाँ तक नीचे तक लगभग है, यहाँ तक हम कर देते हैं ट्रैक, ओके। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं टोटल, ठीक है, टोटल, ठीक। तो टोटल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक, टोटल हम बाद में निकालेंगे, पहले सारा फिलअप करते हैं, ठीक है। तो पहले हम सब फिल कर लेते हैं, ओके।
अब सेकंड यहाँ पे ले जाते हैं ऊपर। अब पहले इन सबको कर लेते हैं मर्ज, ठीक है, इनको करते हैं मर्ज, ठीक है, इसको भी करेंगे मर्ज। यहाँ से सबको एक एक करके सेलेक्ट करके हमको मर्ज करना है, ठीक है, सबको पहले करना है हमको सेलेक्ट, फिर एक एक करके सबको करना है मर्ज, ठीक है। ये हो गया हमारा मर्ज, फिर से मर्ज, फिर से मर्ज, ठीक, और ये हो गया फिर से मर्ज, ठीक है। अब इन सबको सेलेक्ट करके इधर पिन तक उसको ले आते हैं साइड में ये, ठीक है। उसके बाद इसमें हम कोई कलर फिल कर देते हैं जिसमें अलग समझ में आए, ये है हेडिंग, ओके, ये हमारी हेडिंग, ओके। अब ये है बगर फिल, ठीक है। अब इस बगर फिल को क्या करना है हमको, ठीक है, अब इस बगर फिल को करने के लिए हमको पहले यहाँ पे कलर फिल कर देते हैं इसमें ब्लैक एंड येलो, ठीक है। अब इनको भी सिलेक्ट करके पहले मर्ज कर लेते हैं, ठीक, तो इनको पहले हम करेंगे सिलेक्ट, उसके बाद करेंगे मर्ज, ठीक है। तो पहले हम इसको सिलेक्ट करके करते हैं मर्ज, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे ऑल्सो सिलेक्ट मर्ज, फिर नीचे ऑल्सो सिलेक्ट मर्ज, फिर नीचे ऑल्सो सिलेक्ट एंड मर्ज, ठीक है। तो इनको भी सारा सिलेक्ट करते हैं, इनको लेफ्ट अलाइनमेंट में लाते हैं, ठीक है, ओके। ये हमारा थोड़ा बिल जैसा लग रहा है, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं, ठीक, और इसमें हम थोड़ा कलर फिल कर देते हैं, इसमें करेंगे ब्लैक, यहाँ पे कर देते हैं वाइट, ठीक है। ये हमारा है टोटल, ठीक है। तो हम टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, पहले हम निकालेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे हम सब टोटल, ठीक, सब, उसके बाद स्लैश, फिर टोटल, सब टोटल, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं GST, ठीक है। तो GST को यहाँ से हम ले आते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट में, ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 28%, 28%, ठीक है। और हमको टोटल निकालने के लिए करना क्या है, ठीक, टोटल निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है, ठीक, यहाँ पर हमको फॉर्मूला लगेगा इक्वल, ठीक, इक्वल के बाद इन दोनों को हम सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर प्लस इसको सेलेक्ट करेंगे और एंटर, ठीक है। अब इसमें आप जो भी वैल्यू डालोगे वो ऑटो सेलेक्ट होगी, ठीक है। उसके बाद हमको ये निकालना है सब टोटल, ठीक है। अब हम सब टोटल निकालेंगे, ठीक, पहले हमने देखो GST लिख दी है 28%, ठीक, तो हमारी GST लगेगी इसमें 28%, ठीक, इसको थोड़ा नीचे करते हैं और यहाँ पे हम इनको करते हैं मर्ज, और इसमें हम फिल कर देंगे, इसमें हम फिल करेंगे एंटर, एंटर टेक्स्ट हेयर दैट यू वॉन्ट टू प्रिंट, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, आ गया अपने आप, थोड़ा नीचे आते हैं, इसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट इसको कर देते हैं सेंटर में, ओके, इसको थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं बोल्ड, इसमें भी हम लगा देते हैं बॉर्डर, ओके, ये हमारा लिख के आ चुका है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हमको बस कुछ नहीं करना है, एक सेकंड वेट, देखिए अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है सब टोटल, ठीक। तो हमको सब टोटल निकालने के लिए क्या करना है, कुछ सब टोटल निकालने के लिए यहाँ पर आना है, इक्वल का साइन लगाना है, ठीक, और इन सबको टोटल सेलेक्ट करना है, ठीक, उसके बाद एंटर करना है, नहीं एक सेकंड कुछ गड़बड़ हो गया, यहाँ पर लगाना है इक्वल, उसके बाद लगाना है सम, ठीक, फिर लगाएंगे ब्रैकेट, उसके बाद इन सबको हम करेंगे सेलेक्ट, उसके बाद करेंगे ब्रैकेट ऑफ, फिर एंटर, ठीक, ये हमारा आ चुका है, ठीक। अब हमको GST निकालनी है 18%, ठीक, तो पहले हम लगाएंगे इक्वल, ठीक,
इस पे क्लिक करेंगे, ठीक, इनटू करेंगे और इस पे क्लिक करेंगे, ठीक, और एंटर करेंगे। ये हमारी निकल के आ गई जीएसटी, ठीक है। तो ये हमारी टोटल जीएसटी निकल चुकी है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप मतलब फुल बिल में जो भी चेंज करोगे वो चेंज होगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं 5, ठीक है। यहाँ पे हम 5 डालेंगे तो ये देखिए सारा सब चेंज हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे हम 2 डाल के देखते हैं, ठीक है। जैसे आप 2 डालोगे तब भी देखिए सारा बिल चेंज होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो भी चेंज करोगे वो सारा चेंज होगा, ठीक। उसके बाद हमारे ये बिल लगभग लगभग रेडी हो चुका है, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर लगा देते हैं बॉर्डर, ये हमारी हेडिंग, ओके। उसके बाद हम ये सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे हम बॉटम, टॉप, लेफ्ट और लगाएंगे राइट, ठीक है। ये हमारा लग चुका है, ठीक। यहाँ पर भी हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें लगाएंगे राइट, लेफ्ट और बॉटम, टॉप एंड बॉटम, ठीक है। उसके बाद ये देखिए ये हमारा फुल बिल बनके तैयार हो चुका है, ठीक। इसमें थोड़ा हम कलर भर देते हैं, ठीक। इसको कर देते हैं बोल्ड, इसमें कलरिंग कर सकते हैं हम, ओके। इसमें कलरिंग करते हैं, ठीक है, ओके। आप सही है, ये हमारा बिल बन के रेडी हो चुका है। हम आपको जूम आउट करके दिखाते हैं, आपको सही दिखाई देगा, ओके। ये देखिए ये हमारा टोटल बिल बन के रेडी हो चुका है। तो हमने आपको एक्सेल की शीट में बिल बनाना सिखा दिया है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।